वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी चना की सब्ज़ी। प्लेन जो चना होता है, लाल चना, वही चना को रात को हम भिगो के रखे हैं, करके बॉईल करके रखे हैं, उसी का सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं, सिंपल से प्याज, तेल में प्याज फ्राई करके लिया है, उसमें थोड़ा नमक हल्दी दिया है। अभी उसमें ये जो धनिया पत्ता देख रहे हम काट रहे हैं, इसका डंठल का पार्ट सिर्फ काट के देंगे और जो पत्ता है उसको रख देंगे एज अ गार्निश। अभी डंठल का पार्ट देने के बाद मैं इसको थोड़ा चला लूँगी। इसको चलाते हुए ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर तक पका लेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी देते रहेंगे। वो भी चना जिसमें हम बॉईल किया है उसका जो पानी बचा है उसी पानी को इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। देखिए जैसे ये होते आ रहे हैं, अभी दे रहे हैं यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक, और नमक डालने के बाद फिर से थोड़ा चला लेते हैं। अभी इसमें दे देते हैं आलू। जो चना हमने बॉईल किए थे उसी के साथ ही मैंने दो मीडियम साइज के आलू, चार चीरा लगा के डाल दिए थे, तो वही आलू इसी में अभी हम डाल देंगे। और आलू देखिए चार चीरा लगाने के बाद अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है, तो आलू को अभी तोड़ भी देंगे ताकि आलू के अंदर ये जो सब मसाले जो बना रहे हैं, सारे मसाले का फ्लेवर आलू के अंदर भी चले जाए और इसको बहुत अच्छी तरह से पका लेंगे। क्योंकि आलू ऐसा सब्जी है पूरा टेस्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आलू को बहुत अच्छी तरह से एकदम पका लेना है। यहाँ पर आलू जैसे ही हो जाए उसमें डाल देंगे अभी मसाले, जैसे कि हल्दी डाल दी मैंने। अभी उसके साथ ही साथ डाल देंगे भुना जीरा पाउडर। अभी बहुत अच्छी तरह से चला लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से आलू के अंदर मिक्स हो जाए। और अभी डाल देंगे चने, जो लाल चने हमने बॉईल करके रखे थे सारे चने डाल देंगे। लेकिन अगर ज़्यादा पानी हो तो पानी को अभी पूरा ना डालिए, क्योंकि चने के साथ ये जो आलू का मसाला हमने बनाया है चने के साथ थोड़ा सा पका लेंगे, थोड़ा सा कुक करेंगे, ताकि चना में भी थोड़ा आलू और मसाले का फ्लेवर भी आ जाए। उसको भी तरह ओपन कुक कर लेते हैं चलाते हुए। अभी देखिए यहाँ पर ये पक चुका है, सारा पानी सूख गया है, तो इसी में डाल देंगे चना जिसमें बॉईल किए थे, जो पानी चना बॉईल वाला पानी, वही पानी इसमें पूरा डाल देंगे। और डालने के बाद एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे इसमें उबाल आ जाता है उसमें ऊपर से डाल देंगे धनिया पत्ता, जो हमने बचा के रखे थे पत्ते वाला पोर्शन गार्निश के लिए, वो ऊपर से अभी डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। जैसे बॉल आ जाता है तैयार हो गया हम लोग का चना का सब्जी। आज का चना मसाला आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा करके लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और नए फ्रेंड्स जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी, ताकि जब भी मैं कोई रेसिपी बनाऊँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। टिल देन फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।